हर गंगे, स्वागत है आपका गंगोत्री के इस वीडियो में। आपने रास्ता देखा, काफ़ी बढ़िया था। और अभी इस वक्त मैं आया हूँ भैरव घाटी में, जो कि गंगोत्री से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। और ये काफ़ी विशेष जगह है, क्योंकि जब भी गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो नीचे के गांवों से आसपास से जो भी डोलियाँ जाती है वो इस भैरव घाटी में रुकती है। यहाँ पर पीछे भैरव बाबा का मंदिर है, भैरव जी का। यहाँ पर वो लोग दर्शन करते हैं, रुकते हैं और फिर बाद में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरफ से हम आए हैं नीचे से, और ये पूरी भैरव घाटी है। सारी गाड़ियाँ आपको दिखेगी, यात्री लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं, और उसके बाद में ऊपर गंगोत्री धाम जाते हैं। तो मंदिर में चलते हैं। यहाँ पर ये धूनी है बाबा जी की। मंदिर जो है वो ऊपर की तरफ है, फर्स्ट फ्लोर पर। जय भैरव जी की। ये मंदिर परिसर है और ये मंदिर है। देखिए, ये माँ गंगा जी के द्वार पर, इनको क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, आनंद भैरव जी का मंदिर है। गंगा जी की डोली जब कभी भी कपाट खुलने के लिए यहाँ पे आती है तो एक रात्रि विश्राम यहाँ पे होता है। और ये यहाँ के भैरव घाटी के घाटी पाटी के रखवाल भी बोलते हैं इनको। तो बिना इनकी इजाज़त से आप गंगोत्री के दर्शन नहीं कर आते। पुराणों के कथाओं के अनुसार इनकी इजाज़त जरूरी होती है, इसलिए यहाँ पे दर्शन करने जरूरी होते हैं। ये आनंद भैरव जी का मंदिर है। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। तो पंडित जी ने बताया यहाँ की क्या महत्ता है। ये आनंद भैरव जी का मंदिर है, सामने भगवान की मूर्ति है। तो आपने सुना, पंडित जी ने बताया काफ़ी महत्ता है इस जगह की, काफ़ी विशेष जगह है ये। और भैरव बाबा इस घाटी की रक्षा करते हैं, और उनकी आज्ञा के बिना गंगोत्री धाम नहीं जा सकते। तो सारे लोग जो भी आते हैं पहले यहाँ पर रुकते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं भैरव घाटी में, और फिर गंगोत्री के लिए आगे बढ़ते हैं। और गंगोत्री धाम यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो ये था भैरव घाटी, भैरव बाबा का मंदिर, और अभी यहाँ से चलते हैं हम गंगोत्री धाम के लिए। तो मैं आ गया हूँ गंगोत्री धाम पर, और ये यहाँ का पार्किंग है। आप देखो पीछे तक गाड़ियाँ खड़ी है, काफ़ी सारी बड़ी पार्किंग है। तो यहाँ पर सारी टैक्सियाँ भी आपको मिल जाएगी गंगोत्री से उत्तरकाशी जाने के लिए। तो ये पार्किंग था, और इस तरफ में ये गेट है। तो इस गेट से हमें अंदर की तरफ चलना है, और यहाँ से लगभग 800-900 मीटर आगे गंगा माँ का मंदिर है। वैसे मैंने आपको गंगोत्री आने का जो रास्ता बताया था वो आपने देखा होगा, काफ़ी बढ़िया रास्ता है वो, और मज़ा आ गया उस रास्ते से। जब आप गंगोत्री आते हो तो आपका दिल खुश हो जाता है। और आज थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो थोड़ा चला लेना। मैं काफ़ी ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ इतनी ही निकल रही है। ये सारे जो आप देख रहे हो ये होटल वगैरह है, और आगे भी काफ़ी सारे होटल मिलेंगे आपको रहने के लिए। होटल का चार्ज लगभग आपको 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो यही चार्ज लगभग 1.5 गुना हो जाता है, लेकिन नॉर्मल टाइम पे आपको 1000 रुपये के आसपास होटल मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी धर्मशाला वगैरह भी है, अगर आपके कोई जान परिचित है तो आपको वहाँ पर कम रेंज में कमरा वगैरह मिल जाता है। वैसे मुख्य पार्किंग बाहर की तरफ है, लेकिन कुछ लोगों ने आज अंदर भी गाड़ी लगाई हुई है। तो क्योंकि अभी शुरुआत हुई है यात्रा की, तो धीरे धीरे सब सेट होगा। यहाँ पर आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी खाने पीने में, और होटल भी काफ़ी सारी है। लेकिन अच्छा यही होगा कि आप पहले से ही होटल बुक कर लो, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यात्रा की शुरुआत आज से ही हुई है, आज पहला दिन है, इसीलिए पब्लिक नॉर्मल दिख रही है।
धीरे धीरे जैसे ही जैसे जैसे टाइम बीतेगा पब्लिक और बढ़ती जाएगी। ज़्यादातर लोग गंगोत्री आते हैं तो उत्तरकाशी ठहरते हैं, फिर वहाँ से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं गंगोत्री के लिए और लगभग 3 से 4 घंटे में गंगोत्री पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ दर्शन वगैरह करके और दोपहर में खाना खा के यहाँ से निकलते हैं और शाम को फिर से उत्तरकाशी पहुँच जाते हैं। तो ये शेड्यूल होता है मोस्टली यहाँ के लोगों का, काफ़ी कम लोग होते हैं जो यहाँ स्टे लेते हैं। बाकी आपको स्टे यहाँ पर 500 से 1000 के बीच मिल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ है तो आपको 1000 से 1500 भी चुकाने पड़ सकते हैं। यहाँ आपको इस तरह के गर्म कपड़ों की भी काफ़ी सारी दुकान मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है गर्म कपड़ों में वगैरह आपको। ये रास्ता मंदिर के लिए जाता है और ये वाला रास्ता सामने की तरफ जाने के लिए है। उधर सामने आपको एक ब्रिज दिखेगा, वो ब्रिज आप क्रॉस करोगे तो सीधे उस तरफ पहुँच जाओगे। नज़ारा काफ़ी बढ़िया, देखो आप पहाड़ों के बीच में गंगोत्री धाम आया हुआ है पूरा। यहाँ पर आगे एक पांडव गुफा है, तो यहाँ से आपको लगभग 1.5-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है तब पांडव गुफा आती है। तो ये जगह थी जो मैंने आपको दिखाई ब्रिज के इस तरफ वाली। फिलहाल हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूरा आगे तक पूरा ऐसे ही मार्केट है गंगोत्री मंदिर तक। ये गेट है मेन मुख्य मंदिर का, गंगोत्री धाम का जो मुख्य मंदिर है गंगा माँ का, उसका मुख्य द्वार है ये। तो यहाँ से अंदर जाना है और ये मुख्य मंदिर है। इस गेट से अंदर आए हम और ये है मंदिर मुख्य गंगोत्री धाम। काफ़ी भीड़ है आज देखो यहाँ पर। सामने आपको दिख रहा है ये गंगा माँ का मुख्य मंदिर है और आज अक्षय तृतीया है, पहला दिन है, आज ही मंदिर के कपाट खुले हैं और इस तरफ काफ़ी सारे लोग हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक नृत्य हो रहा है, आप देखो मैं आपको बताता हूँ। इसे रासो तांडी नृत्य कहते हैं और ये उत्तराखंड के लोगों का नृत्य है, पहाड़ी लोगों का। तो ये लोग आज अपनी खुशी मना रहे हैं क्योंकि इनके देवता आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये इनके देवता है नाग देवता, जो कि 1200 गांव से आए हैं। तो ये सारे लोग 1200 गांव के हैं जो कि यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और इस नृत्य को रासो तांडी नृत्य कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों का लोक नृत्य है। तो ये गंगा माँ का मुख्य मंदिर है देखो आप सामने की तरफ, और ये आज काफ़ी सजाया हुआ है क्योंकि पहला दिन है, आज ही इस मंदिर के कपाट खुले हैं गंगोत्री धाम के। तो अभी लगभग दोपहर के 3 बज गए हैं तो ज़्यादातर लोग दर्शन करके जा चुके हैं, नहीं तो सुबह यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं थी, इतनी सारी भीड़ थी। तो ये गंगोत्री धाम मैंने आपको दिखाया, पास में ये महादेव का मंदिर है। ओम नमः शिवाय। तो ये महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है भगवान का। तो वो मुख्य मंदिर था गंगा माँ का, गंगोत्री धाम।
वो मैंने आपको बताया, अंदर से भी दिखाया और बाहर से भी दिखाया, और ये पूरा पैसेज है, यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है वो भी मैंने आपको बताया, और इस तरफ में ये बड़ी सी झांकी बनी हुई है, महादेव की मूर्ति है बढ़िया सी, पार्वती माता है, गणेश जी है, और ये दृश्य है पीछे का पहाड़ों का, आप देखो नज़ारा कितना बढ़िया है, और इस तरफ में भी आप सारे पहाड़ देखोगे, पीछे सारे पहाड़ है ये। तो वहाँ ऊपर गंगोत्री धाम का मुख्य मंदिर था जो मैंने आपको बताया, वहाँ से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर इस तरह के छोटे मंदिर है, ये मंदिर है प्राचीन भागीरथ तपस्थली, तो ये मंदिर है ये। इसके अलावा यहाँ पर गणेश मंदिर भी है, सिद्धि विनायक मंदिर, ये गणेश जी का मंदिर है पास में ही है, तो गणेश जी का मंदिर और भागीरथ जी का मंदिर पास में है यहाँ पर, और पीछे माँ गंगा का मुख्य मंदिर था जो मैंने आपको बताया था, और इस तरफ में ये पूरा गंगा घाट है जो कि काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप अच्छे से नहा सकते हो, गंगा माँ का शुद्ध शांत पानी है यहाँ पर, यहाँ गंगा नदी बह रही है, आगे से गोमुख से ये पानी आता है, गोमुख ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो वो जगह भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल आप देखो ये गंगा नदी है जो कि पहाड़ों के बीच में से होती हुई आगे बढ़ती है यहाँ से। गंगोत्री की जो हाइट है वो लगभग 11,000 फीट के आसपास में है, तो काफ़ी ऊंचा है ये, इस वजह से काफ़ी ठंडा भी रहता है, और यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है, गर्मियों का दिन है, अभी अक्षय तृतीया का दिन है आज, आज ही मंदिर का कपाट खुले हैं, तो भी आज यहाँ पर काफ़ी ठंडी है, और लगभग दिन में 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, और रात को कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, और यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो मैं यहाँ कल पहुँचा था और मैंने 2 बार बारिश देख ली है, तो यहाँ मौसम कभी भी बिगड़ जाता है पहाड़ों में। बाकी ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में से गंगा नदी निकलती है, तो ये दृश्य काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सुहाना लगता है देखने में, और ठंडी की वजह से मेरी भी आवाज़ बैठ गई है, गला बैठ गया है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आपसे बात करनी पड़ रही है, तब जाके आप तक मेरी आवाज़ भी पहुँच रही होगी, और आवाज़ भी काफ़ी फटी हुई होगी, तो इसके लिए माफ़ कर देना। एकदम बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पर गंगोत्री धाम में, और यहाँ पर ये देखो सारी मूर्तियाँ बनाई हुई है, गणपति भगवान है, इसके अलावा काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई हुई अच्छी अच्छी तो ये गंगोत्री धाम था जो मैंने आपको बताया, काफ़ी बढ़िया जगह है, चार धाम वाले जो भी आते हैं उनको तो सबको पता ही है, लेकिन अगर आप नहीं आए तो आके जाना, यहाँ पर सिर्फ आध्यात्म या मंदिर ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर नेचर भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप जब पहाड़ों में आओगे तो आपको काफ़ी शांति मिलेगी, काफ़ी बढ़िया सुकून मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, हमारा खूब खूब आभार, आप जो